ये सवाल का जवाब देने के पहले मैं आपको एक मेमोरी एक शेयर करना चाहूंगी आपके साथ. जब मैंने अपने अपना करियर शुरू किया था पहली बार, आई रिमेम्बर गोइंग इन टू अ थिएटर इन इंटीरियर तमिलनाडु. एंड मैं एक तभी ना थिएटर में जगह नहीं बची थी, बट वो जानते थे कि मैं आ रही हूँ. सो दे एक्चुअली पुट अ स्टील का चेयर फॉर मी, सो आई कुड सिट एंड वॉच रजनी सर ऑन स्क्रीन. एंड मैंने पहले 10 मिनट फिल्म देखी नहीं, क्योंकि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था और मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था. बिकॉज क्योंकि लोग सिर्फ यू नो कन्फेट अलग अलग चीजें उड़ा रहे थे. स्क्रीन वॉज कवर्ड विद फ्लावर्स विद सो मेनी डिफरेंट थिंग्स. एंड दैट इज द हिस्टेरिया ही इज हैड इन मूवी थिएटर्स. एंड मैं एक स्टील के चेयर पर बैठ के मैंने फिल्म देखी है. सो आई कैनॉट टेल यू दैट टूडे इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर मी टू एक्चुअली बी अ पार्ट ऑफ हिज फिल्म एंड टेक इट टू इवन द ऑडियंसिस हियर इन मुंबई. एंड या उनसे ये तो सीखा है मैंने कि हमेशा लोगों का आदर करना चाहिए. वो अपने फैंस को बहुत ज्यादा अक्नॉलेज करते हैं, प्यार देते हैं. उन्होंने कभी भी अपने किसी भी फैन को अवॉइड नहीं किया या उन्हें अटेंशन नहीं दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि ऑडियंसेस के प्यार के वजह से ही उनका आज ये इतना बड़ा दर्जा है. तो एज एन एक्टर एज अ परफॉर्मर ये उनसे मैंने सीखा है. और मैं चाहूंगी कि जब जब मैं लोगों से इंटरेक्ट करूं मैं उनको प्यार दे सकूं, बिकॉज उन्होंने हमें प्यार के अलावा और कुछ नहीं दिया है. सो दैट्स समथिंग आई टेक एंड कीप इट विद माय इन माय हार्ट.